कॉम्प्यूहेल्प कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। मैं आज आप लोगों को पीएचपी में सबसे पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है या पीएचपी में कोड कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले कोडिंग लिखने से पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पीएचपी का कोड लिखे तो कहाँ पे लिखें, मीन्स उस कोड को लिखने के लिए हमें कोई ना कोई एडिटर चाहिए, कोड एडिटर। तो देखिए, उसके लिए बनाने वाले ने कहा है या तो हम कोड नोटपैड पे लिख सकते हैं, या हम उसके लिए एडोब ड्रीमवीवर का यूज कर सकते हैं, या नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं आज यहाँ पे एडोब ड्रीमवीवर का यूज करने जा रही हूँ, तो अगर आपने एडोब ड्रीमवीवर का के सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो वो पहले तो हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद अब आप यहाँ पे नोटिस करें कंप्यूटर में, जैसे ये पॉइंटर है यहाँ पे, ये एडोब ड्रीमवीवर का हमें आइकन दिख रहा है। यहाँ पे आप देखें ये पॉइंटर मूव हो रहा है, ये है एडोब ड्रीमवीवर का आइकन। या तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर सकती हैं, या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो जब हमारे पास ये स्टार्ट मेन्यू अपेयर होती है, यहाँ पे भी एडोब ड्रीमवीवर का सॉफ्टवेयर का आइकन बना हुआ है, या तो आप इस पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे ही क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास पहले स्प्लैश विंडो आएगी और उसके बाद वेलकम विंडो आएगी, जहाँ पे आप देखें सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओपन अ रिसेंट आइटम, मीन्स ये तो उस केस में यूज होता है कि अगर मैंने कोई ना कोई फाइल पहले से बना के रखी हुई है, बट मैंने तो आज नई फाइल क्रिएट करनी है इसलिए मैं न्यू क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँ, क्रिएट न्यू वाले कॉल्यूम में जाऊंगी। और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मेंशन हुआ है जैसे HTML है, PHP है, CSS है, JavaScript है, मीन जिस भी लैंग्वेज का आपने कोड लिखना है आप उसके आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। मैंने PHP का कोड लिखना है इसलिए मैं PHP के आइकन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, राइट। सो देखें, अब जैसे मैंने इस आइकन पे क्लिक किया तो अब हमारे सामने ये विंडो अपेयर होगी, जहाँ पे आप देखें उसने बाय डिफॉल्ट ही कुछ प्री डिफाइंड हमें टैग्स HTML के टैग्स शो कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो तो कोड इनको यूज करके भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि कोड इनके बिना लिखना है तो आप इस पूरे कोड को हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैं PHP का कोड लिखना शुरू करूंगी, राइट। सो PHP के कोड को लिखने के लिए जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे ये सिंबल है, ये है ओपनिंग टैग एंड ये है हमारे पास क्लोजिंग टैग। यहाँ से पता चलता है ब्राउजर को कि यहाँ से PHP का कोड शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी होगी इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, एंड यहाँ से ब्राउजर को पता, ये वाला टैग ब्राउजर को बताता है कि PHP का कोड यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसे कह सकती हूँ कि ये PHP का ओपनिंग टैग है, और इसे कह सकते हैं ये PHP का क्लोजिंग टैग है, राइट। अब यहाँ पे मैं PHP का कोड लिखूंगी, तो आज मैं इसके थ्रू सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए बनाया है इको देन स्पेस देके डबल कोट्स में, यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम टू कॉम्प्यूहेल्प, राइट, सेमीकॉलन लगा के टर्मिनेट कर दिया। अब अगला काम क्या है, इस फाइल को सेव करना है। तो जब भी इस फाइल को हम सेव करेंगे तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन सेव ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास हम जाएंगे माय कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में जाके हमें यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा वैम्प नाम का। तो देखिए वैम्प क्या है, एक सर्वर है जो हमें अपने कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो PHP है ये है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब इसको चलाने के लिए हमें सर्वर चाहिए अपने कंप्यूटर पे। तो बाय डिफॉल्ट बनाने वाले ने एक मिनी सर्वर बना दिया है जिसका नाम है वैम्प। तो वैम्प जब इंस्टॉल होगा, और यहाँ पे वैम्प का मतलब है विंडोज अपाचे MySQL एंड PHP। MySQL मीन्स डेटाबेस, की जब भी आपने कभी डेटाबेस पे काम करना है तो उसमें हमें वो प्री डिफाइंड मिलेगा। अपाचे जो है वो सर्वर का नाम है, PHP वो लैंग्वेज इस पे हम काम कर रहे हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, तो जैसे क्लिक करूंगी तो इसके अंदर हमें एक फोल्डर मिलता है जिसका नाम है www फोल्डर, जिसके अंदर मैं अपनी फाइल्स को रखूंगी। तो जैसे यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, मे बी मैंने इसको नाम दे दिया कॉम्प्यूहेल्प, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल को नाम दे दिया है फर्स्ट,
पर हम PHP का कोड लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा .php। मैंने यहाँ पे खुद टाइप किया है एक्सटेंशन .php, लेकिन अगर मैं यहाँ पे .php ना भी लिखूँ तो भी यहाँ पे फाइल बाई डिफ़ॉल्ट .php में ही सेव होगी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ये Dreamweaver स्टार्ट किया था तो वहाँ से मैंने PHP का ऑप्शन ही लिया था, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमें वो खुद एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फाइल डिफ़ॉल्ट ही .php में सेव होगी, राइट। अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने उस फाइल को एग्जीक्यूट भी करना है। तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे देखिए वेब सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमने वो वेब सर्वर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। वेब सर्वर का हमें आइकन नहीं दिख रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो ऑन करने के लिए हम यहाँ पे वैम्प टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे स्टार्ट वैम्प सर्वर का हमें आइकन दिखा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, जैसे क्लिक करूँगी तो कह रहा है कि आपने वो स्टार्ट करना है कि नहीं, तो मैंने क्या किया यस पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे नोटिस करें जो हमारे पास टास्क बार होती है, यहाँ पे जो सिस्टम ट्रे है यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले हो रहा है वैम्प सर्वर का आइकन। सबसे पहले इसमें रेड कलर था, इसका मतलब अभी तक इसने कोई भी सर्विस को एक्टिव नहीं किया था। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। जैसे ये रेड कलर का होगा इट मीन्स ये उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा, रेड तो है एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब ये ग्रीन कलर का होगा इसका मतलब वेब सर्वर एक्टिव हो जाएगा। और उस केस में हम क्या करेंगे, फिर लोकल होस्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। पर अभी तक वो काम नहीं कर रहा है, अब ये वेब सर्वर हमारे सामने ऑन हो चुका है, ग्रीन कलर का हो चुका है। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू में एक ऑप्शन आता है लोकल होस्ट, इसमें मैं क्लिक करूंगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो हमने यहाँ पे हमें वो वेब सर्वर की विंडो दिख गई, जहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने www फोल्डर में एक और फोल्डर बनाया था, किस नाम का बनाया था मैंने, कॉम्प्यू हेल्प नाम का, जहाँ पे मैंने अपनी फाइल लोकेट करी थी। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो आप नोटिस करें ये जो हमारी फाइल है first.php यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी तो आप नोटिस करें ब्राउजर जो है वो हमने इको में जो भी लिखा था उसने यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले कर दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP। बट अगर आप चाहते हो कि ये तो सिर्फ एक ही मैसेज, अगर आप और भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो अब अगेन हम Dreamweaver में जाके आप नोटिस करें मैं एक और इको लगा रही हूँ। यहाँ भी मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा रही हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट। अगेन मैं इस फाइल को सेव करूंगी तो हम फाइल में जाके फिर से सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगेन हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और आप देखें जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो हमें वो सेकंड लाइन भी डिस्प्ले होगी जहां मैंने लिखा था वेलकम टू PHP वर्ल्ड। बट आप नोटिस करें ये न्यू लाइन पे नहीं आई है। अगर आप चाहते हो इसको न्यू लाइन पे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे जाके हमें एक और इको लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम आज ब्रेक टैग का यूज करेंगे। और ये टैग तो हमने HTML में सीखा ही है कि ब्रेक टैग क्या करता है, कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाएगा। अगेन मैं इस फाइल को फिर से सेव कर रही हूँ, सेव करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, आप नोटिस करेंगे ये अब हमें न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो गया। और अगर आप चाहते हो कि ये वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है या कोई हेडिंग वगैरह देना है, तो हम अगर अपने टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम टैग्स को इको में डबल कोट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको हेडिंग वन देना है तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में H1 टैग लिख रही हूँ और इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे अगेन मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ और अगेन मैं इसको रन कर रही हूँ, तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगी आप नोटिस करेंगे वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प जो है ये हमें हेडिंग वन में दिखा है। तो ये था, इसके थ्रू आप अपने PHP के कोड को ज़्यादा सुंदर बना सकते हो, राइट। तो ये था हमारा सबसे पहला प्रोग्राम इन PHP। सो आज के लिए धन्यवाद।